हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एमके ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं अपने चैनल पर एक नए देश की वीडियो लेके आया हूँ। उस देश में आप कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर जाके रह सकते हैं, और वहाँ की इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं, और वहाँ पर जॉब सेक्टर कौन कौन से, आपको वीज़ा कैसे मिलता है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से देश की और वीडियो चाहिए। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं अपने चैनल पर एक देश की वीडियो लेकर आया हूँ। मेन की हर बारी मैं एक नए देश की वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ कि उन देशों में आप कैसे वर्क परमिट पे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, उनके जाने के तरीके क्या क्या हैं, वहाँ पर वर्क परमिट कैसे मिलता है लीगली तरीके से, और आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है। हर बारी की तरह आज मैं एक नई कंट्री की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। उस देश का नाम है ब्रुनेई। ये देश टूरिस्ट प्लेस कंट्री भी है और वर्किंग कंट्री भी है। यहाँ पर आप टूरिस्ट पे भी जा सकते हो, वर्क परमिट पे भी जा सकते हो आप। तो दोस्तों, थोड़ी सी मैं आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ इसके बारे में, फिर आपको पता लग जाएगा कि कंट्री कहाँ पर है और यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ की करेंसी की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मैं ब्रुनेई देश की वीडियो बना रहा हूँ। इसको हम नेशन ऑफ ब्रुनेई भी बोलते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलई, और यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है, और अदर लैंग्वेज ब्रुनेई, मले, चाइनीज़, और भी भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। मलई में जिस धर्म के लोग रहते हैं वो हैं सुन्नी इस्लाम, क्रिश्चियंस, और भी धर्म के बहुत लोग रहते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर जो करेंसी है वो है ब्रुनेई डॉलर, जिसका रेट आज हिंदुस्तान में 54 रुपीज़ तक ये चले जाता है, 55 भी चले जाता है, 50 और 55 के बीच में वेरिएशन करता रहता है। ब्रुनेई के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं साउथ चाइना सी और मलेशिया। ये इसके बिल्कुल पड़ोसी के साथ में ही बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। और ब्रुनेई एक सेफ कंट्री है, इनकी यहाँ पर जो टूरिज्म आते हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अब यहाँ पर वर्क परमिट में आते हैं, उनके लिए बिल्कुल सेफ कंट्री है। ब्रुनेई की जो फेमस चीज़ें हैं वो है ब्यूटीफुल मॉस्क्यूज और ब्यूटीफुल इस्लामी बिल्डिंग, ऑल रिच कंट्री, ये जगह ऑल रिच कंट्री भी है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ और भी बहुत कुछ फेमस है, आप गूगल पर सर्च करके देखें, आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। अभी ब्रुनेई के जॉब सेक्टर की बात करता हूँ, ब्रुनेई में जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं। पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर में है एक तो खेतीबाड़ी होगी, दूसरा है फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगलात महकमा जिसको बोलते हैं हम लोग, और फिशिंग, वहाँ पर मछली पकड़ने का भी बहुत ज़्यादा काम है और मछली पालने का भी बहुत ज़्यादा काम है। और इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या है, माइनिंग एंड क्यूबरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और कंस्ट्रक्शन का वर्क भी वहाँ पर चलता रहता है। उसके बाद है सर्विसिंग। सर्विसिंग में क्या है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड्स का काम है, अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस का बहुत वर्क है वहाँ पर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का वर्क है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल्स एंड इंश्योरेंस का, रियल स्टेट का, प्रोफेशनल्स, टेक्निकल एडमिन एंड स्पोर्ट सर्विस, पब्लिक एडमिन का, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वर्क, और भी बहुत ट्रेड हैं जिनके ट्रेड पर वहाँ पर काम चलता रहता है, जॉब सेक्टर हैं वहाँ पर। तो आप सोच लीजिए, अगर मैं इतने गिना सकता हूँ तो इससे भी ज़्यादा और भी होंगे। आप गूगल पर सर्च करके देखिए, अगर आपको लगता है कि हमने इस ट्रेड में माहर है और ये ट्रेड हमने किया है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरा है, आप ब्रुनेई में जाके वर्क कर सकते हैं। और ब्रुनेई की इन डिमांड जॉब्स, जो मैंने आप लोगों को जॉब सेक्टर बताए हैं, उन्हीं में से ही इन डिमांड जॉब्स निकलती रहती हैं। मैंने कि करंटली जॉब हमेशा निकलती रहती है किसी सेक्टर में। तो आप इनके गूगल पे जाके, इनके जो जॉब पोर्टल हैं वहाँ पर जाके सर्च कीजिए, ब्रुनेई
के जॉब पोर्टल आप जब खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बरनई में कौन कौन सी जॉब खुली है। इसका बहुत अच्छा तरीका खोलने का, गूगल पर जाइए, वहाँ पर लिखिए बरनई जॉब पोर्टल, आपको बहुत सारे जॉब पोर्टल मिल जाएंगे। वहाँ पर किसी अच्छे जॉब पोर्टल पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर उसके बाद आप चेक कीजिए बरनई में कौन कौन सी जॉब्स खुली हैं, फिर आप उसके आधार पर मेन की उस जॉब जो खुली है वो पहले आप चेक कर लें कि वो आपके ट्रेड की है या नहीं है। अगर आपके ट्रेड की है तो आप निश्चित हो के वहाँ पर रिज्यूम सेंड कर दीजिए, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको वहाँ से कोई ना कोई जवाब मिल ही जाएगा। अभी बात करेंगे बरनई के वर्क परमिट की, मेन की वर्क परमिट कैसे मिलता है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जब जो वर्क परमिट है 2 साल का है, बाद में एक्सटेंड भी हो जाता है, और यहाँ पर पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है आपके वर्क परमिट से पहले, वो LPA डॉक्यूमेंट्स जो और आपके जो एम्प्लॉयमेंट पास है ये आपके जो ऑनर हैं उसको लगा के LPA अप्रूवल लेनी पड़ती है वहाँ की मिनिस्ट्री से, फिर उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या क्या है, प्रोसेस मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपने सबसे पहले बरनई के जॉब पोर्टल पर जाकर वहाँ पर आपके ट्रेड के मुताबिक जॉब ढूंढनी है। जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है आप वहाँ पर अपने इंटरनेशनल रिज्यूम जो आप लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कवरिंग लेटर के साथ आपने सेंड करना है। अगर आपके एम्प्लॉय और आपकी कंपनी जिसमें आपने रिज्यूम सेंड किया उनको अगर आपका रिज्यूम पसंद आता है तो आपको वो जॉब ऑफर लेटर सेंड करते हैं, फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आपने फटाफट वो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, सेंड करने के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूवल लेते हैं, वो कंपनी अप्रूवल लेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक थोड़ा सा नियम कानून होता है, वो अप्रूवल से पहले उस ऑनर से पूछेगी, उस ऑनर को चेक करेगी, उस कंपनी को चेक करेगी ये हमारे साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, फिर उसके बाद वो उनसे कुछ प्रूफ मांगेगी कि आपने फॉरेनर वर्कर को मंगाने के लिए बरनई में एडवर्टाइजमेंट दी कि नहीं दी। उसके मुताबिक उनके कंपनी और उनके ऑनर को दिखाना पड़ता है कि हमने 1 महीना पहले या 40 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट दी थी, हमको यहाँ से कोई भी सूटेबल वर्कर नहीं मिला है, इससे इस ड्यूरेशन में मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है, मेरे को मजबूरन फॉरेनर वर्कर को बुलाना पड़ रहा है, ये जो फॉरेनर वर्कर है ये बहुत सूटेबल है और मेरे यहाँ पर काम करने के लिए राजी है, तो प्लीज़ मेरे को एक अप्रूवल दी जाए। तो इस चीज़ों को देखते हुए, इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है फिर वो उसको अप्रूवल दे देती है, आप बुला सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि जिस कंपनी के लिए आपने रिज्यूम भेजा है उस कंपनी में क्या पता अलग अलग कंट्रियों से रिज्यूम आए हों, मीन कि काफ़ी कंट्रियों से रिज्यूम आते हैं जिनकी करेंसी बरनई के डॉलर से कम है, वो लोग बरनई में काम करने के लिए अपने रिज्यूम जरूर सेंड करते हैं और जिस लाइन में आप लगे उसी लाइन में वो लोग भी लगे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बरनई में जॉब मिले या ना मिले, मगर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आप रिज्यूम जरूर सेंड कीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, मेल आईडी आपने लिखनी है और आपने बताना है कि मैं यहाँ हिंदुस्तान में वर्क किया है और इस ट्रेड में मैं माहिर हूँ। अगर उनको अच्छा लगेगा आपका रिज्यूम तो आपको जरूर जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। जिस ट्रेड में आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है उसी ट्रेड के मुताबिक अगर बरनई में अलग अलग इंडस्ट्री में वर्क खुलता है तो आप अलग अलग जगह पर अपने रिज्यूम सेंड करते हो, सिर्फ ट्रेड एक होगा जो आपने ऑलरेडी डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है और जिसका एक्सपीरियंस आपके पास है। आप अलग अलग ट्रेड में अगर वहाँ पर रिज्यूम सेंड करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को पता लग जाएगा कि ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा यहाँ पर ज़बरदस्ती आना चाहता है, इसलिए इसको वीज़ा ना दिया जाए, तो वहाँ पर आपको बैन भी लगा सकती है और आपको वीज़ा आपका कैंसिल भी कर सकती है। तो इसलिए एक ही ट्रेड पर ही विश्वास रखें, एक ही ट्रेड में बरनई में जॉब के लिए रिज्यूम सेंड करें। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, काफ़ी देशों की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाली हुई है, हर एक देश में आप जरूर सेंड करें अपने रिज्यूम, किसी न किसी देश से आपको पॉजिटिव आंसर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो LPA है बरनई में जो LPA है आपको अप्रूवल होके आ जाता है तो आपका जो ऑनर है आपको वो LPA प्लस आपका जॉब ऑफर लेटर आपको सेंड करता है। सेंड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर बरनई की एम्बेसी में लेके जाना है अपने वर्क परमिट के लिए, तो वो आप उनके बरनई की एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसके हिसाब से बरनई की एम्बेसी में जाएं, अपना LPA लेके जाएं, जो आपको वहाँ से अप्रूवल मिली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको सेंड की है आपका जॉब ऑफर लेटर वो लेकर जाएं, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप साथ में लेकर जाएं। आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, वैलिड पासपोर्ट, आपकी आइडेंटिटी कार्ड्स, जॉब ऑफर लेटर्स, LPA
और आपके पुलिस वेरिफिकेशंस बहुत डॉक्यूमेंट है, आप उनकी लिस्ट जरूर चेक कर लें, फिर उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट की तैयार करें, फाइल तैयार करें, फिर आप बर्ने की एम्बेसी में जाकर वो सबमिट करवाएं। जितनी जल्दी आप सबमिट करवाएंगे उतनी जल्दी आपको वर्क परमिट मिलेगा, उतनी ही जल्दी आप बर्ने में जाकर जॉब कर सकते हैं। ज़्यादा लेट ना करें, अगर ज़्यादा लेट करोगे तो ये जॉब ऑफर लेटर और आपका LPA कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जॉब पोर्टल के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, इनकी वेबसाइट भी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एम्बेसी के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कहां कहां पर एम्बेसी सब कुछ वहां पर सब लिखा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जॉब पोर्टल खोल के भर रहे के वहां पर अपनी जो ट्रेड के मुताबिक जॉब देखते हो, वहां पर वैकेंसीज को देखते हो, आपको लगता है कि यहां मेरे को भरनी चाहिए तो ज़रूर भरिए, आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो दोस्तों ये बर्ने की एक छोटी सी वीडियो थी आपके सामने, आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।